आज हम डिस्कस करने वाले थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसी के बारे में देखते हैं हम। सर्किट कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और उसी सर्किट में करंट का फ्लो होता है हमने ये भी देख लिया था। तो देखिए, जब हम एक कंप्लीट सर्किट को प्रिपेयर करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हीं कंपोनेंट को यूज करके जब हम सर्किट प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहां पर करंट क्या होता जाता है, फ्लो होता जाता है। अच्छा, मैंने आप सब पढ़ के आए हैं, बताइए। यस मैम। हाँ, चलिए। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था, तो पहले रेजिस्टेंस के बारे में बताइए, वो होता क्या है। मैम, रेजिस्टेंस इट इज अ करंट कंट्रोलर ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट इन द पाथ ऑफ करंट। वेरी गुड। अपोज ऑफ करंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट करेक्ट है आपका डेफिनेशन। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को? उसका सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का? आर। वेरी गुड। और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? बताइए यूनिट। ओम, ठीक है, चलिए। मतलब आपने पढ़ाई की है। कंडक्टर किसको बोला जाता है? व्हाट इज कंडक्टर? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट एंड इलेक्ट्रिक अलाउ द करंट देमसेल्फ, इट्स कॉल्ड कंडक्टर। हाँ, ठीक है, चलिए, करेक्ट है आपका। अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, ये जो रेजिस्टेंस है मेनली किस किस तरीके से इन अ सर्किट आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको दो तरीके से इन अ सर्किट कनेक्ट किया जा सकता है। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टर को कनेक्ट करने के साथ साथ इन अ सर्किट कुछ कंपोनेंट भी जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, जैसे आपका बल्ब हो गया, सेल हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, वोल्टमीटर हो गए, अमीटर हो गए, इन सभी को हम सर्किट में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टू वे से जैसे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, उन टू वेज में जो फर्स्ट वे है आपका वो कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है? देखिए, ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जब हम क्या करते हैं, अपने रेजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को, मतलब आपने फर्स्ट रेजिस्टर लिया है, उस फर्स्ट रेजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को सेकेंड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ, सेकेंड रेजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर इस टाइप में आप किसी रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हो, क्या बोला मैंने, फर्स्ट रेजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल सेकेंड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से और सेकेंड रेजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से, अगर ऐसा हम कनेक्शन करते हैं इन अवर सर्किट ऑफ रेजिस्टर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ अदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे सेल्स हो गया, जो हमारे लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होगा या फिर एनर्जी का एक सोर्स होगा। स्विच हम कनेक्ट करते हैं ताकि हम सर्किट को ऑन और ऑफ कर सके। अमीटर कनेक्ट किया जाता है और साथ में वोल्ट मीटर भी क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। उसी का ये जो ड्रॉ है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है,
ये आपका फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकेंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है। तो देखो इस फर्स्ट रजिस्टर का ये जो आपका ये जो टर्मिनल है ये सेकेंड टर्मिनल हो गया, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्मिनल तो ये हो जाएगा। तो इस फर्स्ट रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को मैंने सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। और जो आपका थर्ड रजिस्टर है उस थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल को क्या किया है, सेकेंड रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है, ये आरबिन, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्मिनल हो जाएगा। तो फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल कनेक्टेड है किससे, सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से, ठीक है। और इसी का देखा जाए ये आपका क्या हो गया था, सेकेंड रजिस्टर हो गया था, फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड था फर्स्ट रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल से। अब सेकेंड रजिस्टर का जो सेकेंड टर्मिनल है ये कनेक्टेड होगा किससे, थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट हमको दिखाई देता है तो उसको हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमको सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रजिस्टर हो गया, ये सेकेंड रजिस्टर, और ये आपका थर्ड रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि सर्किट में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो अदर जो हमारी बैटरी है इसके अलावा यहाँ पर की लगी हुई है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये अमीटर है, ये सारी चीजें, और ये जो आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। क्या बोला जाता है इनको, कनेक्टिंग वायर्स बोला जाता है, ठीक है। और इन सभी को यूज करते हुए हमारा क्या बनता है, एक कंप्लीट सर्किट प्रिपेयर होता है, ठीक। अब देखिए ये सर्किट हमने बना लिया, ये सर्किट कौन से कॉम्बिनेशन पे है पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक सीरीज फॉर्म पे है, ठीक है। अब देखिए इनर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, R1, R2 और R3, ये R1 है, R2 है और R3 है, आपके क्या है, रजिस्टर है जो कि एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइंड है। और इन रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देखो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो शो किया गया है एक सिंगल रजिस्टर है, मैं इन तीनों को हटा के इस सर्किट पे इस सिंगल रजिस्टर को क्या कर सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू ऑफ करंट फ्लो जो कि इन तीनों रजिस्टर में हो रहा था और इस एक रजिस्टर को लगाने पर होगा, वो कैसा होगा, सेम होगा। तो दिस टाइप ऑफ सिंगल रजिस्टर, ये जो सिंगल रजिस्टर हम लगाएंगे इन तीनों रजिस्टर को रिप्लेस करके, उस टाइप के रजिस्टर को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर या इफेक्चुअल रजिस्टर बोला जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज वो सारे जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करते हुए जब हम कोई सिंगल रजिस्टर इन अ सर्किट कनेक्ट करते हैं तो उस टाइप के रजिस्टर को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्चुअल रजिस्टर बोला जाता है, ठीक। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे होता क्या है, जो करंट फ्लो होता है सर्किट पे, देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब इस डायरेक्शन से हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो करंट का जो अमाउंट है इन अ सर्किट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों रजिस्टर क्या है, सीरीज पे लगे हुए हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें पास हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी पास होगा और इसमें भी पास होगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हर एक रजिस्टर पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसमें साइड पे आपको जो दिख रहा है ये पैरेलल कंडीशन पर, ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है, क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है,
देखिए, आप सभी जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या हमको बताता है? इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, और हर एक रेजिस्टर से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो पर्टिकुलर टू पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब वी जो होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इन अ सर्किट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ रेजिस्टर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंट हो जाएगा। करंट क्या है? मैंने बोला सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि तीनों ही रेजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन पे लगे हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन पे। लेकिन वोल्टमीटर पैरेलली है और टू पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा फॉर एवरी रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि R1 रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और R3 रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है? V3 है। मतलब तीनों डिफरेंट रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है? वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। अब इस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस को देखिए, करंट सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो हमको तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तीनों रेजिस्टर का डिफरेंट है तो हमको उसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसका? ओम्स लॉ का। किसका हेल्प लेते हैं? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I, और V इज इक्वल हमारा क्या आता है? I R आता है, जहां पर R रेजिस्टर को डिनोट कर रहा होता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है? अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? देखो, मुझे कैलकुलेट करना है इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इस सीरीज पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फ्लो हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं सम लेती हूँ तो मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ऑफ द सर्किट मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे V1 के लिए जैसे टोटल रेजिस्टर की वैल्यू निकालेंगे तो हमको उसके लिए सम लेना पड़ेगा, वैसे ही अगर मुझे क्या पता करना है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट पता करना है, तो मैं सारी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या ले लूंगी? सम ले लूंगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दूंगी, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मैंने कैसे लिया है इसको? ओम्स लॉ के थ्रू लिया है, ठीक है? क्योंकि वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आई सेम है किसी भी सर्किट में फ्लो होने का, तो उस सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना सीरीज कॉम्बिनेशन फ्लो हो रहा है, उसका हम अगर सम कर देंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो मैं हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया उसका सम करके, ठीक? अब देखो V इज इक्वल हमारा क्या होता है? V इज इक्वल आई आर होता है। तो V1 इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? I R1 लिख सकते हैं। V2 इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? I R2 लिख सकते हैं। एंड V3 इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? I R3 लिख सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट रेजिस्टर के लिए V1 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेकेंड रेजिस्टर के लिए V2 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और थर्ड रेजिस्टर के लिए V3 हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और करंट का अमाउंट हमने देखा इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन सभी में सेम है, तो मैंने सभी में क्या लिया है? I लिया हुआ है, ठीक है? और अभी हमने देखा कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है तो हम उसका क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। तो उसका सम करने पर हमको क्या मिल जाता है? देखिए, V इज इक्वल क्या मिलता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? V इज इक्वल किसके इक्वल था? V IR, V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं। V1 किसके इक्वल था? I R1 के इक्वल था, ठीक है? V2 किसके इक्वल था? I R2 के इक्वल था। और V3 किसके इक्वल था? I R3 के इक्वल था।
इन तीनों में आई क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा. आई इज इक्वल आप क्या लिख सकते हो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकते हो. ठीक है तो इधर से ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा तो आर इज इक्वल आपका क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस. मैंने क्या बोला, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर. और इसी सम ऑफ ऑल रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, आर के इक्वल है. और अगर मैं इन अ सर्किट क्या करती हूँ, कोई एक रेजिस्टर लगा देती हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक रेजिस्टर लगाया था, एक रेजिस्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होती, आर होती. और इसको मैंने क्या बोला था, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर, या इसी को इफेक्चुअल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है. तो अगर उसकी जगह पे आर ले लेती तो ये जो आर है जिसको हमने टोटल रेजिस्टेंस बोला है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर के इक्वल होता है, ये बात हमको यहाँ पे पता चलती है. या फिर अगर अलग अलग रेजिस्टेंस या रेजिस्टर लगे हुए होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर. ठीक है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऐसा बोल सकते हैं. ठीक, तो हमने ये जाना कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस के. ठीक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे पहला ड्रॉबैक क्या आता है, ड्रॉबैक मतलब इसका एक वीक पॉइंट, हम ये बोल सकते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या आता है अगर हमसे पूछा जाएगा, तो जनरली इसका वीक पॉइंट ये है कि इसमें हर एक कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई एक कंपोनेंट में मालफंक्शंस मींस खराबी आ जाती है तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो जाता है, जैसे इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई एक कंपोनेंट, जैसे ये ही कंपोनेंट अगर खराब हो गया तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. और साथ में जो होल सर्किट हमारी बनी हुई है उसमें क्या जनरेट हो जाता है, डिफेक्ट जनरेट हो जाता है. और जिसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो वर्क करना क्या कर देंगे, बंद कर देते हैं. किसी भी कंपोनेंट में किसी भी तरीके का कोई वर्क नहीं होता है. तो सबसे बड़ा डिफेक्ट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन यही होता है कि जब हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, तो उसका माल फंक्शन क्या हो जाता है, जो करंट फ्लो होता है वो पूरे तरीके से ब्रेक हो जाता है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, अमीटर यूज कर रहे हैं, वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं. तो अमीटर और वोल्टमीटर अगर हम इसका रेजिस्टेंस एबिलिटी देखें तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी लो होता है, जिसकी वजह से अमीटर को इन अ सर्किट क्या किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे ऐड किया जाता है. रेजिस्टेंस लो होने की वजह से वो मैक्सिमम करंट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है. देखिए यहाँ पर अमीटर को क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है. बट जो वोल्टमीटर होते हैं, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी हाई होता है, और इसी वजह से इसको सीरीज पे कनेक्ट ना करके क्या किया जाता है, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है. क्योंकि अगर हम इसको सीरीज पे कनेक्ट करेंगे तो ये हायर अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर देगा, रेजिस्ट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो काफी कम होगा. इस वजह से जो हमारा पोटेंशियल जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसको कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है,
वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है हाई रेजिस्टिविटी नेचर की वजह से, और जो अमीटर होता है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लो रेजिस्टिविटी नेचर की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे आपको क्लियर हो गया होगा, करंट का अमाउंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी इंडिविजुअल हमारे पास वोल्टमीटर होता है या उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सम करेंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट मिल जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस पता करना है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन तो टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए ऑल रेजिस्टेंस का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमको रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन पता चल जाता है, ठीक है। ये सारे जो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में बताए गए हैं इन अ एग्जाम आपको इसको प्रूव करने बोला जाता है, तो कैसे हमने प्रूव किया, आपने देखा कि R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आया थ्रू विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज में आपको कोई डाउट है? नो मैम। चलिए तो आते हैं अब कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट स्टैंड होता है ऑल रेजिस्टर का, मतलब जितना भी रेजिस्टर आपने लिया है उसका जो फर्स्ट स्टैंड होता है उसको ज्वाइन किया जाता है एक पॉइंट के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट के थ्रू उसको क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है ऑल रेजिस्टर के फर्स्ट स्टैंड को। यहाँ पर एक पॉइंट बनी हुई है और हर एक रेजिस्टर को उस पॉइंट में क्या किया गया है, इस पॉइंट में कनेक्ट किया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में लास्ट एंड, मतलब इनका जो लास्ट एंड है इधर है, उस लास्ट एंड को अदर पॉइंट से इन दी सर्किट क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा रेजिस्टर हो गया, यहाँ पर इसका क्या है, लास्ट एंड है, और लास्ट एंड को ये एक पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस फर्स्ट एंड को एक पॉइंट से और सेकेंड एंड को क्या किया जाता है, एक पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। और इस टाइप का कनेक्शन अगर किसी सर्किट में आप करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर इसको पैरेलल सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल सर्किट बोला जाता है, ठीक है। इन रेजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद हम पैरेलली कुछ अदर चीजों को भी इन अ सर्किट कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा कनेक्टिंग वायर होगा, इसके अलावा एनर्जी के जो सोर्सेस हैं मींस बैटरी है, स्विच है, अमीटर है, और साथ में वोल्टमीटर भी लगा हुआ है। अमीटर इसमें भी कैसा है, सीरीज में है, बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी पावर लो होती है। वोल्टमीटर मैंने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और जो रेजिस्टर है वो भी पैरेलली कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, देखिए रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे मैं R1 के लिए पूछूं, R2 के लिए पूछूं या R3 के लिए पूछूं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हम डिफरेंट वोल्टमीटर्स यूज करते हैं। बट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने क्या किया, एक वोल्टमीटर यूज किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, फॉर ऑल रेजिस्टर कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टर आर इक्वल, ठीक है, डिफरेंट नहीं होता बल्कि इक्वल होता है। लेकिन जो रेजिस्टर है R1 है, R2 है और R3 है,
इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये हमारा सीरीज है, इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है और ये आपका सीरीज आ गया। अब इस सीरीज में देखो तीन आपके लेयर निकले हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा। तो यहाँ पर करंट का जो फ्लो होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे आर वन रजिस्टर के लिए करंट क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा, आर टू रजिस्टर के लिए करंट आई टू हो जाएगा, और आर थ्री रजिस्टर के लिए आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर वन आर टू और आर थ्री रजिस्टर के लिए जो करंट फ्लो होता है वो आई वन आई टू और आई थ्री होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर भी हमारा रेजिस्टेंस और जो करंट है वो डिफरेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसको तो पता नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करंट की वैल्यू और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमको पता करनी होगी। तो इसको पता करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, ओम्स लॉ का हेल्प लेते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में इन सभी के रिलेशन को बताया गया है, किसके किसके रिलेशन को, करंट के, वोल्टमीटर के और रेजिस्टेंस के रिलेशन को बताया गया है। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इज इक्वल आई आर हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब मुझे क्या पता करना है, I पता करना है, तो I इज इक्वल क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। इस R को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, I पता करना है तो V अपॉन R हो जाएगा। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को प्रूव करेंगे या करंट और साथ में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम पता करेंगे। तो हमने देखा कि फॉर अ आई, आई के लिए करंट अगर पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या मिलता है, वी अपॉन आर मिलता है। तो यहाँ पर तो डिफरेंट करंट फ्लो हो रहे हैं, आर वन के लिए करंट क्या है, आई वन है, तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी अपॉन R1 हो जाएगा, क्योंकि R1 रेजिस्टर के लिए जो करंट है वो I1 है, और I2 किसके लिए है, I2 आपका V upon R2 रेजिस्टर के लिए है, और I3 किसके लिए है, V upon R3 रेजिस्टर के लिए है। तो R3 रेजिस्टर के लिए I3 करंट, R2 रेजिस्टर के लिए I2 करंट, और R1 रेजिस्टर के लिए I1 करंट। आपको यहाँ पे डिफरेंट करंट्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इन अ सर्किट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऑल पोटेंशियल या इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो रेजिस्टर होता है वो भी ऑल रेजिस्टर का सम होता है, टोटल रेजिस्टेंस, वैसे ही जो करंट होगा इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितने भी करंट वहां पे फ्लो हो रहे हैं उनका क्या होगा, सम होगा। तो उनका सम होगा, तो I इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट फ्लो इन अवर सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। टोटल सर्किट पे मुझे करंट पता करना है तो I की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, V अपॉन R लिख सकती हूँ, क्योंकि I इज इक्वल V अपॉन R होता है, हमने देखा। I1 में मैं क्या लिख सकती हूँ, V अपॉन R1 लिख सकती हूँ, प्लस I2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, V अपॉन R2 लिख सकती हूँ, एंड I3 के लिए V अपॉन क्या लिख सकते हैं, R3, क्योंकि I3 इक्वल होता है किसके, V अपॉन R3 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया है, सभी में सेम है, इस वजह से मैंने V लिया है। इसी फॉर्मूला को सभी में सेम है तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, वन अपॉन आर के फॉर्म पे, ये हमारा वन अपॉन आर वन हो जाएगा, ये हमारा वन अपॉन आर टू हो जाएगा, प्लस वन अपॉन आर थ्री हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो पता चल जाएगा, इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, जो करंट है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अवर सर्किट उसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमने देखा था, R इज इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो ग्रेटर देन होता है किसके, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस के। ग्रेटर देन कैसे होगा,
क्योंकि R इज इक्वल क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है सीरीज में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो वैल्यू है मेरी आर थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, R से। लेकिन इस पे देखिए वन अपॉन आर मेरा क्या है, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमारा वन अपॉन आर थ्री से कैसा है, स्मॉलर है, लोअर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस हम ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या है स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू इससे क्या है कम है, इस बात को याद रखिएगा, यही डिफरेंस होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट खराब भी हो जाए तो भी अदर कंपोनेंट्स क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, ये फायदा होता है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो पूरी की पूरी सीरीज खराब हो जाती है, ठीक है। इसलिए इक्विपमेंट्स के लिए जब कोई सर्किट हम बनाते हैं तो हमको वो जो सर्किट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाना चाहिए, ताकि अगर एक फेस काम ना करे तो दूसरा फेस क्या कर सकता है, उसमें काम कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आज की हमारी जो क्लास है हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए।